उसका मंजर नहीं अच्छा जो खुदा नहीं और मेरा ब्राह्मण जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। हर मंच के ऊपर से ब्राह्मणों को ही गाली सबसे पहले दी जाती है। जो भी समाज गाली देता है वो ये बताए तो सही, ब्राह्मण ने बिगाड़ा क्या। राजस्थान की राजधानी जयपुर में, गोविंद देव जी की नगरी जयपुर में, छोटी काशी में, राजधानी में पधारे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष से ब्राह्मण देवताओं का कोटि कोटि स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इतनी लाखों की संख्या में जो ब्राह्मण देवता ये पधारे हैं उनका कोटि कोटि आभार धन्यवाद। जिनको यह आने का मौका मिला, ब्राह्मणों ने पूर्व काल से ही अपनी भागीदारी हर जगह सुनिश्चित की है और आज ये 19 मार्च का दिन राजस्थान की राजनीति में, भारत की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेगा, एक नया इतिहास लिखेगा। आज लाखों की संख्या में मेरी माताएं बहने बैठी है, लाखों की संख्या में मेरे बंधुगण आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं। इनका आगमन राजस्थान के लिए स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास इंगित करने वाला है। जल को राजस्थान के माध्यम से पूरे प्रदेश भर के नौजवानों को यह बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण बिना ना तो इतिहास था ना पाश्चात्य संस्कृति की, आज की संस्कृति केवल ब्राह्मणों के पीछे टिकी हुई है। केवल ब्राह्मणों के लिए कहना चाहूंगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है परशुराम का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए, फेंक जहां तक बाला जाए। और अंत में दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि उसका मर्जा नहीं अच्छा जो खुद्दार नहीं और मेरा ब्राह्मण जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। धन्यवाद। राम राम सर। मैं सरिता दादी, ब्राह्मण समाज की एकता देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत ये देखो अंदर से मन में ऐसे हो रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। आज दिन तक ब्राह्मणों ने सब समाज का भला किया, अब ब्राह्मण समाज के भले की जरूरत है, ब्राह्मणों को एकता की जरूरत है, ब्राह्मण समाज के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ब्राह्मण समाज में जो अन्याय है उसको रोकने की जरूरत है, इसलिए सब ब्राह्मण समाज का यहाँ एकता हमने प्रदर्शित की है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार को चाहिए कि ब्राह्मणों के लिए कुछ करें, रोजगार के लिए, उनके उत्थान के लिए, ब्राह्मण समाज का उत्थान हो, रोजगार मिले सबको, युवाओं को रोजगार मिले, बेटियों की सुरक्षा हो, हमारे समाज को जगह जगह पर जो भवन बने उनको भवन मिले, जगह मिले, प्रॉपर्टी मिले। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्राह्मणों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए हैं, कई तरह की बातें की जाती हैं, हर मंच के ऊपर से ब्राह्मणों को ही गाली सबसे पहले दी जाती है। सबसे उस व्यक्ति से ये पूछो जिसने भी गाली दी है या जो भी समाज गाली देता है वो ये बताए तो सही, ब्राह्मण ने बिगाड़ा क्या। ब्राह्मणों ने तो सदा दिया है, ब्राह्मणों ने किसी का क्या छीन लिया है, ब्राह्मणों ने शिक्षा दी, संस्कार दिया, ब्राह्मणों ने भारत को अच्छे अच्छे देशभक्त दिए हैं, बहुत सारे देशवासी जो भारत के अंदर ब्राह्मण हुए हैं वो यहाँ पे शहीद हुए हैं, बलिदान हुआ है, उनकी महिमा मंडन का हम नहीं कहते कि करो या नहीं करो, लेकिन कम से कम गाली तो नहीं बको। हम समरसता की बात करते हैं, ब्राह्मण ही है जो सबसे पहले शिक्षा का समर्थन करता है, ब्राह्मण ही है जो सबसे पहले संस्कार का समर्थन करता है, भारत ही है, और भारत के अंदर ही सबसे पहले अगर विश्वगुरु अगर कोई बनता है तो सबसे पहले ब्राह्मण सबसे आगे आएगा जो ये कहता है कि विश्वगुरु बनना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। गुजारा भत्ता भी देवे सरकार और सबको आरक्षण की सुविधा भी सबको चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण भूखे मरने की नौबत आ जाएगी।